नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो हमारी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें एक वीडियो मैंने इतिहास का बनाया था, वीडियो सावरकर यानी बिना एक दमोदर सावर टॉपिक पर, आज जो ये वीडियो रहेगा ये रहेगा हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो ज्योग्राफी लगती है, राजस्थान की ज्योग्राफी, उसका एक टॉपिक है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, उस पर वीडियो रहेगा। इस वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो तीसरा वीडियो आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं टॉपिक वाइज और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखना चाहते हैं जो बुक से है, अलग अलग बुकों से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, एक बात और बता दूँ, अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, अगर रीट की भी तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। BSTC की तैयारी करें, PTT की तैयारी, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये टॉपिक आपको लगता है। तो आप जो भी इस चैनल के अंदर जितने भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बंदे हैं वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, ये राजस्थान अध्ययन की पुस्तक जो लगती थी उससे मैंने ये टॉपिक बनाया है। अपन चर्चा करेंगे स्थितियों विस्तार की। देखिए, राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी राजस्थान राज्य जो है भारत की किस दिशा में स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम, यानी भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम में। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इनका उत्तरी अक्षांश जो है वो है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये तेरा रहेगा उत्तरी अक्षांश का, ठीक है। फिर है 69 डिग्री 29 मिनट से 98 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य, ठीक है। 69 डिग्री 29 मिनट से 98 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसके दक्षिण बांसवाड़ा और डूंगरपुर में से गुजरती है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको देखो, ये आप मैप देख रहे हो ना, मैप में एकदम ध्यानपूर्वक देखो, ये रहा 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और ये है वो आपके 30 12 और ये 23 3, ठीक है। ये है 69 30 और ये 78 17, ये इसके है, ये अक्षांशीय विस्तार है और ये देशांतरीय विस्तार है, ध्यान से देख लिया। अब वो जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है वो कहाँ है? वो ये रही 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। अब बाकी देखो, राज्य की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये रहा पश्चिमी सीमा आपको पूछ रखा है, ये पाकिस्तान है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत पाकिस्तान की। इसके अलावा जो कि 170 किलोमीटर लंबी है, ये जो सीमा है ना कितनी लंबी है? 170 किलोमीटर लंबी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा में पंजाब है, यहाँ पर पंजाब राज्य है, यहाँ हरियाणा राज्य है जो कि, और उत्तर में हरियाणा, उत्तर में पंजाब, उत्तरी पूर्वी पर हरियाणा, पूर्वी सीमा पर यूपी, ये यूपी रहा, और पूर्वी सीमा पर यूपी व मध्य प्रदेश, कहा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश रहा, और तथा गुजरात से संयुक्त है, ये गुजरात रहा, यहाँ पर गुजरात से दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। ये नक्शे के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। इसके बाद देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल जो है, और आपको मैं लंबाई चौड़ाई बता दूँ, ये लंबाई है 826 और ये चौड़ाई है 869। राजस्थान का जो क्षेत्रीय विस्तार है वह 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है। ये क्षेत्र प्रदेश है, ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, क्षेत्र प्रदेश ये विश्व के अनेक देशों से बड़ा है। उदाहरण के लिए ये राज्य 17 गुना श्रीलंका से, 5 गुना इंग्लैंड से, 2 गुना नॉर्वे पोलैंड से, इटली से अधिक विस्तार रखता है। राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। राज्य की उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869 का, ये ठीक है दोस्तों। तो ये अपना आज इतना ही स्थिति विस्तार पढ़ेंगे। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो संभाग वगैरह हैं जो राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल लगते हैं, अगर आप में से कोई राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी कर रहा है जिसको राजस्थान जी के स्पेशली पढ़ना है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।